अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जगह जगह जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अन्नप्राशन कार्यक्रम में लाभान्वित जनता को प्रमाण पत्र भी दिए। इसके बाद उन्होंने गौरीगंज स्थित जयपुरिया स्कूल का फीता काटकर उद्घाटन किया। बाद में मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बाद में उन्होंने राजकीय ITI और पॉलिटेक्निक के छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वहां पर मौजूद सभी नवयुवकों और छात्राओं को यह संदेश दिया कि जो भी जिस फील्ड विशेष में जाना जाता है, देश की सेवा में काम करना चाहता है, उसके लिए वे निश्चित रूप से जो भी सुविधा हो सकेगी मुहैया कराएं। मुझे इसरो में जाना है। मैंने दीदी जी से वही बात किया है कि इसरो में जाना है, तो बोले कि आपको 10 जून को अपने पापा से परमिशन ले लीजिए, उसके बाद हम लेकर चलेंगे आपको। मेरा बचपन से सपना था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो जब सपना था तो मुझे लगा कि इसरो में मुझे जाना चाहिए और मैं कर सकती हूँ, इसलिए मेरा सपना है कि हम इसरो में जाएं। मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ शब्दों में जितनी खुशी मुझे हो रही है और मेरे स्टाफ की हो रही है। कल से हम लोग लगे हुए थे और जैसे लग रहा कि एक बहुत बड़ा सपना साकार हो गया। बिल्कुल उनको प्रेरित करेंगे कि बहुत से बच्चों से मैक्सिमम बच्चे जो है इसरो जाएं। हमारे पूरे जनपद में लगभग 11,672 बच्चों को टैबलेट मिला। योगी जी को सर्वप्रथम तो उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज के कार्यक्रम में विशेष जगदीशपुर की एक बेटी नीतू पधारी, मैंने उससे पूछा नीतू टैबलेट ले रही हूँ क्या करना है जीवन, कहती इसरो जाना है। और मुझसे उसने कहा कि मेरे पास 3 साल का समय है दीदी, मैं उसकी तैयारी करूँगी। मैं गदगद हो गई कि गांव के गरीब सामान्य परिवार की एक बेटी, उसका संकल्प ये कि एक दिन अंतरिक्ष में भारत का जो वैभव होगा उसमें मेरा भी योगदान हो। तो इस बच्ची को आपने देखा, समाज ने पूरे ने सराहा, प्रोत्साहित किया। मेरी अभिलाषा है नीतू को एक बार मैं कम से कम इसरो की अनुमति से इसरो